गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन सो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट एट ए द नोबेल पीस प्राइस के क्वेश्चन आंसर्स को ठीक है इस भी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे कुछ सजेस्टि आंसर्स हैं यहाँ पे जिसको आप समझ के खुद से भी अपने आंसर्स बना सकते हो वेरी ईजी टू डू दिस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन सो फर्स्टली दैडिंग इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन सेंटेंस सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नोबे पीस प्राइजेज आर अवॉर्डेड इन विच सब्जेक्ट एरियाज नोबे पीस प्राइज सब्जेक्ट एरियाज में दिया जाता है तो नोबेल पीस प्राइजेस आर गिवेन और अवार्डेड इन सिक्स सब्जेक्ट एरियाज नेमली फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन लिटरेचर पीस एंड इकोनॉमिक्स तो इन सारे विषयों में इन सारे विषय के क्षेत्रों में नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है सेकेंड क्वेश्चन इज द तिब इन चाइनीज पीस ट्रीटी वाल तिबिनमेंट को साइन किया गया था तो हमने पढ़ा है अब बुक में भी देख सकते हो बहुत ईजी है तिबतिन पीस ट्रिटी साइन हुआ था मूविंग टू दर्ड क्वेश्चन इट से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी मिशनरीज ऑफ़ चैरिटीज़ के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या थे उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे मुख्य उद्देश्य उसका था द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी वॉज टू लुक आफ्टर पुअर हो नो बडी एल्स वॉज प्रिपेर टू लुक आफ्टर ठीक है तो ऐसे लोगों की मदद करना ऐसे लोगों की देखभाल करना जिनका कोई नहीं है जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है इनकी देखभाल करना, देख करना इनकी मदद करना यही मुख्य उद्देश्य था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का फोर्थ क्वेश्चन व्हाई वॉज द फोर्टीन दलाई लामा अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज ऑफ एटीन एटीन सॉरी नाइनटीन एटी नाइन सो दलाई लामा 14th दलाई लामा uh, uh, so, uh, को नोबेल पीस प्राइज एटीन सॉरी नाइनटीन हंड्रेड एटी नाइन में नोबेल का पीस प्राइज क्यों मिला किस लिए दिया गया सो फॉर हीज लॉन्ग पीसफुल फाइट अगेंस्ट चाइना टू हैव फ्रीडम एंड टू हैव अ ट्रू सेल्फ गवर्निंग तिब्बत तिब्बत द फोर्टीन दलाई लाम्बा वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज ऑफ नाइनटीन एटी नाइन तो नाइनटीन ऐटी नाइन में दलाई लाम्बा को इसलिए नोबेल का पीस प्राइज मिला क्योंकि वो बहुत दिनों से चाइना से अपनी फ्रीडम की मांग कर रहे थे और बहुत पीसफुल्ली यानी बहुत शांति के साथ से फाइट कर रहे थे ताकि चाइना जो है वो उनके देश को छोड़ के चला जाए और पूरा का, पूरा का पूरा कंट्री में सिर्फ इनका मीन्स uh, तिब्बत के लोगों का राज हो किसी और देश के लोगों का नहीं चलिए वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन

कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो दीज आर सब बिट यू कैन से दैट बिट लोंगर आंसर एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड कैलाश अडॉप्ट द सरनेम सत्यार्थी एंड कैलाश ने अपना सरनेम सत्यार्थी क्यों ग्रहण किया सो टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द प्रीवेलेंट सोशल इविल ऑफ अनटचेबिलिटी कैलाश ड्रॉपड हिज फैमिली नेम एंड अडॉप्टेड सत्यार्थी एज हिज सरनेम ठीक है सो so, सोसाइटी uh, में यानी समाज में व्याप्त बहुत अनटैचेबिलिटी <coughs> और बहुत सारे uh, दूसरे इविल uh, कस्टम्स को खत्म करने के लिए उन्होंने अपना सरनेम uh, जो है वो सत्यार्थी अडॉप्ट कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बैंक बुक बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है क्या है उसके उसके बारे में आपको लिखना है एंड द आंसर इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड स्कूल बुक्स टू चिल्ड्रेन हु कंड अफोर्ड देम इज द कंसेप्ट ऑफ बुक बैंक ठीक है तो uh, ऐसे बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करना जो कि बुक्स uh, नहीं खरीद सकते हैं ठीक है और यही शुरुआत जो की गई इसी का नाम बुक बैंक रखा गया ठीक है दिस इज दिस वॉज द कॉन्सेप्ट नेक्स्ट इज नंबर थ्री फॉर होम वर दीज होम्स ओपेंड बाय मदर टेरेसा तो आपको बताना है कि ये सारे होम्स जो हैं मदर टेरेसा ने किन के लिए खोले फर्स्ट इज़ निर्मल हृदय और ये फॉर द डाइंग ठीक है और डाइंग पीपल के लिए खोला गया था देन शांति नगर आप देख सकते हो मैंने लिखा है दैट इज़ फॉर दो सफरिंग फ्रॉम लेपर्सी लेपर्सी से जो ग्रसित थे उनके लिए निर्मल शिशु भवन फॉर ऑर्फेंट्स एंड होमलेस यूथ ठीक है और यानी अनाथ और बेघर बच्चों के लिए बेघर लोगों के लिए खोला गया नेक्स्ट इज नंबर फोर व्हाट आर बी एम जीज बी एम जीज क्या है तो बी एम जीज स्टैंड फॉर बाल मित्र ग्राम्स चिल्ड्रन फ्रेंडली वेजेस इन इंडिया एंड नेपाल एज सेफ एंड पीसफुल हैबिटेंट्स फॉर चिल्ड्रन हु हैव बीन विथ फ्रॉम वर्क एंड एनरोल्ड इन स्कूल ठीक है बी एम जी जो है उसका फुल फॉर्म है बाल मित्र ग्राम्स जो कि चाइल्ड फ्रेंडली विजेज हैं आपने देखा होगा अपने बुक में देखा था कि इंडिया और नेपाल में चाइल्ड फ्रेंडली विजेस बनाए गए हैं ठीक है और यहाँ पे बच्चों को बहुत पीसफुली उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है साथ ही साथ उनको स्कूल में भी ज्वाइन कराया जाता है उनको स्कूल में भी एनरोल कराया जाता है ये ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी न किसी तरह के शोषण से इनको आज़ादी दिलाई गई थी ओके नेक्स्ट इज नंबर फाइव व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ फोर्टींथ दलाई लामा व्हेन एंड व्हाई वाज ही इंस्टॉल्ड द लीडर ऑफ़ तिब्बतन बुद्धिज्म तो तिब्बतन बुद्धिज्म सबसे पहले पूछा जा रहा है कि दलाई लामा का रियल नेम क्या था देन उनको कब तिब्बतन बौद्धिज्म का लीडर बनाया गया था और क्यों आंसर इज तेंजिन तू वॉज द रियल नेम ऑफ फोर्टीन लामा का नाम रियल नाम तेंजिन गैस टू था एंड ही वॉज ऑफ तिब्बतन पैरेंटेज दो बॉर्न इन चाइना when he was 3 tibetan monks announced him to be the reincarnation of the late 4th 13th dalai lama and at 5 he was installed as the leader of tibetan buddhism to so, dalai lama ke jo parents years, the wo tibet se the theek hai but inka janm jo hai wo china mein hua tha और जब वो तीन साल के थे तो Tibetan monks जो हैं उनके घर आए थे उनसे मिल एंड दर आफ्टर तभी उन्होंने ये अनाउंस किया कि आ, थर्टीन दलाई लामा का पुनर्जन्म हुआ है तैंजिन घास्टू यानी फोर्टीन दलाई लामा के रूप में और जब वो पाँच साल के हो गए तो उनको तिबिन बुद्धम का लीडर बना दिया गया ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर पार्ट्स ओके सो रेस्ट कुछ और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप खुद दे सकते हो लाइक like, uh, जो कि आपके बुक में प्रेजेंट है तो आप प्रयास करो बच्चों दैट इज योर वर्क ओके यू हैव टू ऑल्सो ट्राई टू गिव आंसर्स एंड मेक योर ओन आंसर्स यू जस्ट रीड द बुक एंड यू कैन डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चन थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड रीड